उत्तर प्रदेश की चार बार की मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो मायावती की आगामी 15 जनवरी को 62वें जन्मदिन को लेकर जहां बसपा के लोग जन्मदिन की तैयारी में लगे हैं, वहीं योगी के अधिकारियों ने मुरादाबाद में लगे मायावती के होर्डिंगों पर हथौड़ा चला दिया है, जिससे बसपा के लोगों में खासी नाराजगी है। उत्तर प्रदेश की राजनीति को नई पहचान देने वाली और दलितों की बहन जी का नाम आते ही एक निडर महिला का अक्सर नजर आने लगता है। सूबे में चार बार मुख्यमंत्री मायावती के जन्मदिन को लेकर बसपा के कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह रहता है। प्रदेश में सरकार किसी भी पार्टी की चल रही हो, बसपाई बहन जी का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाते हैं। इस बार भी मुरादाबाद के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने शहर के मैन चौराहों पर बधाई देकर संदेश लिखे, होर्डिंग लगाए गए थे, लेकिन योगी के अधिकारियों को ये मंजूर नहीं था कि उत्तर प्रदेश में सरकार तो भाजपा की चल रही है और सड़कों पर गुणगान बसपा सुप्रीमो जा हो रहा है। बस फिर क्या था, मुरादाबाद नगर निगम की जेसीबी ने मायावती के फोटो वाले सभी होर्डिंगों पर अपना शिकंजा चला दिया और सभी होर्डिंग नगर निगम के कूड़ा घर में पहुंचा दिया। जैसे ही ये सूचना बसपा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को लगी, सबने मिलकर अपना विरोध जताया। मंडल कोऑर्डिनेटर राजकुमार गौतम ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार जातिगत आधार पर काम कर रही है, बसपा होर्डिंग दो दिन भी सहन नहीं कर पा रही है। इसमें कुछ भी नहीं हुआ, क्या कहेंगे? देखिए, 15 जनवरी को समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की चार बार मुख्यमंत्री रही माननीय बहन कुमारी महासू का जन्मदिन सारे बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता समर्थक मिलकर मनाने जा रहे हैं। और इस अवसर पर 15 तारीख के प्रचार प्रसार जो भी होर्डिंग शहर में लगाए गए हैं, ऐसा देखने में आया है कि प्रशासन की तरफ से उनको उतारा जा रहा है। ये इस प्रदेश में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि इस देश में गरीब कमजोर लोगों का सम्मान और इज्जत हो, इससे उसकी मानसिकता का पता चलता है। भाजपा के लगे हुए भाजपा के लगे हुए हैं, आप देख रहे हैं, देखा होगा ना, कोई नहीं।